5 अप्रैल 2015 को पुनः एक नवगठित हेल्पलाइन लॉन्च किया गया था, एक नया नंबर लॉन्च किया गया था, एंड द न्यू नंबर वॉज 1031। और यह जो नंबर था, यह विजिलेंस डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट, सतर्कता विभाग के अंतर्गत था कि विजिलेंस डिपार्टमेंट इसके ऊपर एक पैनी निगाह रखेगी और जो भी कॉल्स इसमें आएंगे उस पर कार्यवाही करने का काम विजिलेंस डिपार्टमेंट करेगी, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट इन सारे कॉल्स को, ACB एंटी करप्शन ब्यूरो उस समय विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंडर में था, ACB के पास भेजेगी। इस पर भी बहुत विज्ञापन हुआ, एक ऐसा माहौल बनाया गया मानो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की चेष्टा अरविंद केजरीवाल जी की है। आपको याद होगा उसके पश्चात दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग अर्थात विजिलेंस डिपार्टमेंट में से ACB चला गया, ACB उनके पास नहीं रहा। जब ACB उनसे छिन गया तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कुछ आंकड़े रखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने आंकड़े रखा कि ये जो हेल्पलाइन 1031 खोला गया था उसके माध्यम से जो कॉल आए थे उनकी संख्या 125,000 की थी। 1,25,000 कॉल्स वर रिसीव थ्रू दिस हेल्पलाइन, द एंटी करप्शन हेल्पलाइन दैट इज 1031। एंड मोस्टली दीज एंटी करप्शन कॉल्स, ये जो भ्रष्टाचार के विरोध जो कॉल्स थे, ये कॉल्स कुछ विभागों की थी जिसमें MCD, पुलिस, परिवहन विभाग और दिल्ली जल बोर्ड सम्मिलित थे। कि इन 4-5 विभागों का बहुत कॉल्स आया है, 1,25,000 कॉल्स आई है। और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था उस समय कि इसके आधार पर लगभग 152 अधिकारियों को निलंबित अर्थात सस्पेंड किया गया है और 35 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। एक RTI का सिलसिला चालू हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन है। लोगों ने जानना चाहा कि वास्तविकता इस नंबर का क्या था, कितने लोगों को वास्तविक रूप से, कितने लोगों को वास्तविक रूप से इसमें सजा हुआ। जो दिल्ली पुलिस की RTI की जवाब 13 मई 2015 को दिल्ली पुलिस से यह RTI में मांगा गया कि कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्योंकि जो नोडल एजेंसी है कार्यवाही करने की, FIR दर्ज करने की, शिकायत दर्ज करने की, वो तो आप हैं, तो कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कार्यवाही हुई। तो दिल्ली पुलिस का कहना था कि कुल मिलाकर के 1031 पे 282 कॉल्स मात्र आए और 7 केस दर्ज हुए। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, मात्र 7 केस दर्ज हुए। जस्ट इमेजिन, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, उनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 1,25,000 कॉल्स आई, 152 सस्पेंड हो गए, 35 गिरफ्तार हो गए, भारी जुर्म हो गया था इसलिए 35 गिरफ्तार हो गए। किंतु दिल्ली पुलिस ने कहा कुल मिलाकर के 282 कॉल्स आए, डिफरेंस देखिए 1,25,000 और 282, और केवल 7 केस दर्ज हुए, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई 7 केस दर्ज हुए।